डॉक्टर साहब, आज हमें आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हमें पूरी उम्मीद है कि श्रोताओं को इससे काफ़ी जागरूकता मिलेगी। तो आज का एपिसोड बेस्ड है वैक्सीनेशंस पर, कि वो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो एक बच्चे को दी जानी अनिवार्य है उसके एक साल से लेकर पाँच साल तक। इन वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स, इनकी इम्पॉर्टेंस, इनकी टाइमिंग्स, इनकी डोजेज, ये सब हमारी चर्चा का विषय है। तो चलिए डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं बातचीत। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आपसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं वैक्सीनेशंस पर, और आपने हमें बताया था एक नवजात शिशु के लिए एक साल तक कौन कौन सी वैक्सीनेशंस अनिवार्य हैं, तो मैं चाहती हूँ एक बार आप छोटा सा हमें रिपीट कर दें इसके लिए, ताकि जो हमारे श्रोता रह गए हैं इसके लिए जागरूक होने के लिए, वो भी थोड़े सतर्क हो जाएं। अवश्य आतिमा, इससे क्या होगा कि एक बार हम ये बता देते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो बच्चे को एक साल तक लगानी है, ताकि अगर किसी की कोई वैक्सीन मिस हो गई है तो वो ज़रूर लगवा लें। जी, सबसे पहले ऐसा होता है कि जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उस समय हम लोग लगाते हैं BCG की वैक्सीन, जो कि बच्चे को TB से बचाने के लिए होती है। जी, उसके साथ ही हम लोग लगाते हैं हेपेटाइटिस की जीरो डोज बोलते हैं उसको, जो पीलिया से बचाने के लिए होती है। जी, और साथ में हम लगाते हैं बायवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी की जीरो डोज। सो जन्म के समय ये तीनों देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, उसके बाद में क्या होता है कि जब हमारा बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तो उस समय फिर उसको कुछ वैक्सीन देनी जरूरी है। जी, तो उसके लिए सबसे पहले हम देते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, तो जैसे कि इसका नाम है पेंटा, तो इट मींस 5 बीमारियों से बचाने के लिए ये वाली है। जी, तो पेंटावेलेंट की पहली खुराक हम देते हैं बच्चे को इंजेक्शन के थ्रू। उसके साथ में हम देते हैं बायवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि ड्रॉप के थ्रू देते हैं बच्चे को। जी, फिर जब उसके बाद में, फिर हमारा बच्चा जब उसके बाद में 28 दिन के बाद में 10 हफ्ते का हो जाता है, अगेन वी हैव टू गिव अ डोज ऑफ वैक्सीन। सो उस समय हम बच्चे को देते हैं सेकंड डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकंड डोज। उसके फिर अगेन 4 हफ्ते के बाद में जब बच्चा 14 हफ्ते का हो जाता है तो उस समय पेंटावेलेंट वैक्सीन की थर्ड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन बायवेलेंट उसकी थर्ड डोज, और साथ में एक जो और इंजेक्शन देना होता है वो है IPV। IPV है, ये नया इंजेक्शन शुरू हुआ है गवर्नमेंट सेटअप में, तो उसमें क्या होता है कि जो पोलियो का ये इंजेक्टेबल है। इसलिए हमारे बच्चे को जब 14 हफ्ते का हो जाए तो बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स भी देनी है और साथ में पोलियो का इंजेक्शन भी देना जरूरी है। जी, ये सिलसिला ऐसे ही एक साल तक चलता रहेगा। तो ये ऐसे है कि 14 हफ्ते तक तो आतिमा ये हमने देने हैं बच्चे जी, को जी। फिर 14 हफ्ते के बाद में फिर बीच में इंजेक्शन नहीं देने की जरूरत पड़ती। अच्छा, फिर जब हमारा बच्चा हो जाता है 9 महीने का, तो 9 महीने से लेके 12 महीने के बीच में फिर हमने बच्चे को बुलाना है इंजेक्शन के लिए। उस समय हम देते हैं बच्चे को मीजल्स, दैट इज वो उसको हम बोलते हैं खसरे का टीका। खसरे का टीका, सो वो बच्चे को देना बहुत जरूरी है। जी, हम बच्चे को वो वाला टीका देते हैं और उसके साथ में एक चम्मच से दवाई पिलाते हैं जिसको कि हम विटामिन ए बोलते हैं। तो वो साथ में बच्चे को एक दवाई देते हैं। जी, सो ये दोनों हम बच्चे को एक साल तक देते हैं। तो मैम, फिर 1 से 5 साल तक कोई और वैक्सीन इसमें ऐड होती है या यही दोबारा रिपीट होती रहती है अलग अलग टाइमिंग्स पे? आतिमा, ऐसे है कि पहले साल में तो बच्चे को ये काफी वैक्सीन लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे अब बच्चे की भी एज बढ़ रही है तो उस समय नंबर ऑफ वैक्सीन थोड़ी कम हो जाती है। कम हो जाती हैं। उसमें तो सिर्फ हमने वही वैक्सीन देनी होती है कि जिसकी हमें चाहते हैं कि हमारी जो बच्चे की इम्यूनिटी के जो लेवल्स हैं वो प्रॉपर बने रहें। जी, तो जब हमारा बच्चा 1 साल का होता है, जैसे हमने बताया कि 1 साल तक जो जो देनी थी, अब जब होता है कि उसके बाद में जब मेरा बच्चा होता है 15 महीने से लेके तकरीबन 1.5 साल तक, सो उस समय हमने बच्चे को 1.5 साल के आसपास बच्चे को हमारी डोजेस जाती है, वो जाती है मीजल्स की, क्योंकि एक डोज हमने लगाई थी 1 साल से पहले, फिर दूसरी हमने लगानी होती है जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है। जी, तो उस समय हम बच्चे को मीजल्स की दूसरी खुराक देते हैं। अब उस जब मीजल की दूसरी खुराक के साथ में एक और इंजेक्शन देना है, वो है हम लोग देते हैं DPT। वी कॉल इट DPT बूस्टर डोज। DPT बूस्टर, हाँ जी, वो बच्चे को हमने देना है और उसके साथ में फिर एक उसको हमने विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए देनी है। सो ये हम बच्चे को ये 3 चीजें उस समय देते हैं। जी, और साथ में पोलियो की खुराक। जी, सो ये सारी जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब के लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 1 से 5 साल तक जो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है वो ये मीजल्स और ये पोलियो वाली ड्रॉप। हाँ जी, क्योंकि उसको मीजल्स जाना है और साथ में विटामिन ए भी मिलेगा और DPT की बूस्टर डोज भी मिलेगी। जी, तो डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है किन्हीं पेरेंट्स का रह जाता है, वो नहीं दे पाते किन्हीं कारणों से ये इंजेक्शन, ये डोजेस, तो वो क्या करें उस समय?
देखिए ऐसा है कि अगर इम्यूनाइजेशन में आदमी हमें सबसे मुश्किल जो ज़्यादा पड़ रही है वो ये है कि पेरेंट्स एक आध इंजेक्शन लगवा लेते हैं जी। एक लगवा लिया, दूसरा मिस हो गया, फिर कभी तीसरा लगवा लिया। देखिए एक ये सबसे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट ज़रूरी है कि बच्चे को टाइमली इम्यूनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे को जिस समय पर जो हम इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो इंजेक्शन बच्चे को उस समय बीमारी से बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक रहता है और वो तभी रिक्वायर्ड है, तभी रिक्वायर्ड ये टाइम पीरियड डिवाइड की हुई है। हाँ जी, तभी लगाना अनिवार्य है, तभी अनिवार्य है। उसके बाद में भी ऐसा है कि टाइम पीरियड के बाद हम लगा सकते हैं कुछ इंजेक्शन, लेकिन उसका फायदा कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसलिए द बेस्ट इज टू हैव द राइट डोज ऑफ द राइट इंजेक्शन एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक से डेढ़ साल तक हम एड ऑन करते हैं मीजल्स के लिए, पोलियो के लिए, तो डेढ़ साल से पाँच साल तक कोई और वैक्सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और मतलब देनी चाहिए? आतिमा ऐसे है कि आपने ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स को लगता है कि जो इंजेक्शन दे रहे हैं या ड्रॉप्स पिला रहे हैं वो वैक्सीन है जी। इस जैसे हमने डेढ़ साल तक मैंने बताया कि हमने इंजेक्शन और जो वैक्सीन बच्चों को देनी है जी, उसके साथ में क्या होता है कि एक विटामिन ए की जो खुराक है जी वो बहुत ज़रूरी है जी। वो ऐसा होता है कि जैसे नाइन मंथ से लेके एक साल तक एक हमने दवाई देनी है विटामिन ए की फर्स्ट डोज, फिर जब बच्चा डेढ़ साल का सेकंड डोज, उसके बाद हर छः महीने बाद टिल द चाइल्ड इज 5 इयर्स ऑफ एज, तो हमने हर 6 महीने बाद वो विटामिन ए की खुराक जरूर देनी है जी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि वो बच्चे को दें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। तो उससे बच्चे को जो होता है कि हमारे बच्चों की जैसे आईज के लिए है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए है, तो दैट इज अगेन रिक्वायर्ड। सो वो ज़रूर दें अपने बच्चे को हर 6 महीने बाद विटामिन ए की खुराक, हर 6 महीने बाद 5 साल तक। हाँ जी, 5 साल की एज तक जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि कोई आउट ऑफ स्टेशन गया है, कोई पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से, और उसी के बीच वैक्सीनेशन की टाइमिंग आ जाती है और वो नहीं वैक्सीनेशन कर पाते अपने बच्चों को, तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए एक तो ये अब जाना है तो वो भी जरूरी है जी। तो पेरेंट्स को एक मेरी ये रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप अगर बाहर जाएं जी और आपके बच्चे का वैक्सीनेशन उस समय के आसपास ड्यू है तो प्लीज दे मस्ट कैरी देयर कार्ड। ओके, वी हैव एक कार्ड, हम बोलते हैं उसको एमसीपी कार्ड बोलते हैं, जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड। जी जी बिल्कुल, है ना। तो वो अपने साथ जरूर रखें और जहां पे भी हों, क्योंकि आजकल तो ये है कि भारत में सब जगह पे जो वैक्सीन लग रही है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लग रही है, तो जहां पे भी वो जाएं, वो अगर अपना कार्ड ले जाएंगे तो किसी भी स्वास्थ्य संस्थान है वहां पे जाएंगे तो वो इनको वैक्सीन लग सकती है। ओके, क्योंकि जो भी वहां पे हेल्थ फैसिलिटी में जो भी डॉक्टर होंगे या एएनएम या आशा होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि बच्चे की कौन सी वैक्सीन है जो ड्यू है जी। सो वो कार्ड देके बच्चे को वो वैक्सीन लगा देंगे। सो दे मस्ट कैरी द कार्ड अलोंग और जहां पे भी जाएं वहां जाके इंजेक्शन जरूर लगवा लें जी। ये काफी अच्छी फैसिलिटी है, तो मैं श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, उनको कोई जरूरी काम है और उनके बच्चे की वैक्सीनेशन ड्यू है बीच में, तो प्लीज कैरी योर कार्ड्स। तो डॉक्टर साहब, अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा काफी ज्यादा बीमार है उसी दौरान वैक्सीनेशन की डेट्स के दौरान, बीमार है काफी, उसे दस्त लगे हैं या वॉमिट्स लगी हैं, वो नहीं जा सकता, नहीं वो वैक्सीन लेने के लिए नहीं, स्टेज में नहीं है, तो क्या करें वो पेरेंट्स? देखिए आतिमा ऐसे कि अगर तो हल्का फीवर है, थोड़ा सा बुखार है जी, हल्का उस बच्चे को वॉमिटिंग है थोड़ी सी, जो भी इलनेस है माइनर इलनेस जी, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन ना देने के लिए। ओके, हल्के बुखार में हम दे सकते हैं, थोड़े से दस्त है तो हम दे सकते हैं जी, थोड़ी सी उल्टी वगैरह है तो हम दे सकते हैं जी। लेकिन अगर ज्यादा सीवियर इलनेस है, बच्चे को बहुत तेज बुखार चल रहा है या कोई और उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम करते हैं कि इसको वैक्सीन ना दी जाए जी। माइनर इलनेस से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चे को हम लोग कंटिन्यू वैक्सीन उसकी करते हैं। तो जो वैक्सीन नहीं दी जाती उस टाइम, फिर वो बच्चा कब लेता है? देखिए ऐसे कि जब भी बच्चा ठीक हो जाए तो उसके नेक्स्ट टाइम वो आके ले ले। अच्छा, कभी भी? हाँ, ले सकते नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, जैसे ही बच्चा वो ठीक हो तो आ जाए तो उसको फिर वो वैक्सीन दे दी जाएगी। और डॉक्टर साहब, एक हमने ये सुना है आधार लिंकेज के बारे में, तो इसका कोई वैक्सीनेशन के साथ संबंध है? हम लोगों का भी आधार कार्ड बना है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि मतलब इवन पैन इंडिया ये देखा गया कि कुछ ग्रुप्स हैं कि जहाँ पे बच्चों की जो है कार्ड ठीक से नहीं बने, कम बने हैं आधार के, तो वो तकरीबन अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स एंड देन फ्रॉम 5 साल से लेकर तकरीबन 16-17 की एज ग्रुप है कि जहाँ पे आधार लिंकेज कम है जी। तो उस समय अब ये देखा जा रहा है कि कौन सी हेल्थ फैसिलिटी या किस तरीके से हम आधार लिंकेज को इम्प्रूव करें और साथ के साथ हमारी फैसिलिटीज भी इम्प्रूव हो जाए जिसको हम देना चाहते हैं। तो अभी चंडीगढ़ में लास्ट टू लास्ट वीक सैटरडे, तो उस समय ये अब हम लोग के शुरू हो गया है कि जहाँ जहाँ पे हमारी हेल्थ फैसिलिटी में इम्यूनाइजेशन हो रही है जी, तो वहाँ वहाँ पे जिन जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने 5 साल तक की उम्र के एंड दे आर कमिंग फॉर वैक्सीनेशन, तो उन लोगों के कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, तो उनको आधार के साथ
लिंक किया जा रहा है, मतलब चंडीगढ़ में ये फैसिलिटी अभी अभी आई है। हाँ जी, अभी अभी आई है और अभी ये एक्सपैंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, तो हम लोग ये चाहेंगे कि सारे के सारे बच्चों का आधार कार्ड भी बन जाए और साथ के साथ सारे के सारे बच्चों की वैक्सीनेशन भी हो जाए। ओके जी, जैसे हमने बात की कि बच्चे को कई तरह की वैक्सीन दी जाती हैं, एक छोटे से बच्चे को इन तरह तरह की वैक्सीनेशंस का देना कितना सेफ है, या हम कह सकते हैं इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? और मैम एक और क्वेश्चन कि क्या कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशंस एंड एलर्जीज, इन दोनों में कोई संबंध है? क्या यही साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, ऐसे कि जो हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो उनकी सेफ्टी तो बहुत हाई क्वालिटी की है। ओके, क्योंकि अगर हम देखें तो हम बहुत बच्चों को वैक्सीन देते हैं, पूरे इंडिया में हम लोग काफी बच्चों को देते हैं जी। तो उसके साथ में अगर किसी बच्चे को हम AEFI बोलते हैं, दैट इज एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कहने का मतलब ये है कि इम्यूनाइजेशन करके अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड लेते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो कहीं वैक्सीन करके तो नहीं है, और उसका क्या कि हमारे पूरे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड फाइनली एट द नेशनल लेवल पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर ये पता लगाया जाता है कि वैक्सीन हमारी सेफ है कि नहीं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि बिफोर द वैक्सीन आर गिवन टू द चाइल्ड तो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, मतलब वो पूरी तरह से टेस्टेड है। हाँ जी, पूरी तरह से वो टेस्टेड है, ताकि अगर कहीं पे किसी, देखिए ऐसा है कि सेफ्टी इनकी बहुत अच्छी, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छे लेवल की सेफ्टी है, लेकिन अगर किसी बच्चे को बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका साथ के साथ हम लोग इलाज भी उसका इसमें चलता है। हाँ जी जी। और मैम इनके कोई साइड इफेक्ट्स? देखिए ऐसा है, अब कोई दवाई है तो उसके थोड़े हल्के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। जी बिल्कुल। और उनका देखो सबसे ज्यादा जो, जिस करके हमने ये देखा है कि बच्चों की वैक्सीन छूट जाती है या मदद नहीं लेके आती, वो है फीवर। जो मेजोरिटी हमने देखा है कि जैसे हम पेंटावेलेंट वैक्सीन जब बच्चों को देते हैं या जब DPT देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे को फीवर आ जाता है, तो मदर को ये लगता है कि अरे भाई मेरे बच्चे को तो बुखार आ गया जी। और एंड शी थिंक्स के जो बुखार है ये वैक्सीन करके वैक्सीन, जबकि ये उल्टा है, जो वैक्सीन अपना काम कर रही है, दैट इज वाई द चाइल्ड इज हैविंग फीवर। ओके, सो इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि ये बच्चे की फायदे के लिए हो रहा है। सिर्फ ये है कि जब बुखार हो तो उसके लिए हम लोग पैरासिटामोल सिरप की बात करते हैं या पैरासिटामोल ड्रॉप्स जी। तो जब भी बच्चे को वो इंजेक्शन लगवा के जाएं तो उसके बाद में डॉक्टर साहब की सलाह के साथ वो पैरासिटामोल ड्रॉप जरूर दें बच्चे को जरूर दें जी। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट हमारा जो जिस करके छूट जाती है वैक्सीन, वो ये है। और दूसरा एक बार हो जाता है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पे गिल्टी बन जाती है जी। वो बच्चे को बहुत दर्द होती है, अब छोटा बच्चा है उसको हम इंजेक्शन दे रहे हैं, द चाइल्ड क्राइज, तो मदर को लगता है कि पता नहीं अरे बच्चे को क्या हो गया। तो उस पे हम लोग बोलते हैं कि जैसे पैरासिटामोल सिर्फ फीवर के लिए है, हाँ जी, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है ताकि उसकी दर्द भी कम हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि एक साफ कपड़ा लेके कॉटन का, उसके अंदर आइस का एक छोटा सा क्यूब लेके बच्चे की जहाँ पे गिल्टी बन रही है तो वहाँ पे लगाएं, तो उसे बच्चे को भी अच्छा लगेगा और उसे जो गिल्टी है वो भी छोटी हो जाएगी। सो ये मेन दो इफेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को हो जाते हैं जिस करके छूट जाती है जी। तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशंस और एलर्जीज में क्या संबंध है? देखिए वैक्सीनेशन का एलर्जी के साथ ऐसा कोई संबंध खास नहीं है, सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि अगर बाय चांस किसी बच्चे को एक पहली वैक्सीन लगाई है, लाइक जैसे कि पेंटावेलेंट लगाई है, अगर उस बच्चे को कोई सीवियर एलर्जी हो जाती है तो फिर हम उसको नेक्स्ट वैक्सीन पेंटावेलेंट वाली नहीं देते। ओके, फिर हम उसका दूसरा कंपोनेंट देते हैं, बट इट हैपन्स बहुत कम केसेस में होता है। हाँ जी, तो ऐसा डायरेक्टली कोई ऐसा इनका इस तरीके से रिलेशन नहीं है, किसी कंपोनेंट से हो जाता है तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। हाँ जी। और डॉक्टर कई बार क्या होता है जिनकी वैक्सीनेशन छूट गई है, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है कि उनकी फिर से वैक्सीनेशन रूटीन में होने लगे? एक बार ही क्या हुआ कि हम लोग अपने एक एरिया में गए जी, तो वहाँ पे मुझे आंगनवाड़ी वर्कर्स भी थे हमारी, तो वहाँ पे हमारी एक ANM भी थी और LHV भी, तो हमारी पूरी टीम हम लोग खड़े हुए थे, तो पता चला कि एक लेडी है वो अपने बच्चे को लेके नहीं आ रही इंजेक्शन के लिए। उसका घर बिल्कुल हमारी आंगनवाड़ी के बिल्कुल पास था जहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन चल रहा था, इट वॉज हार्डली आप कह सकते हो 10-15 कदम की दूरी थी। तो मैंने अपने LHV से भी पूछा कि अरे वो क्यों नहीं आ रही, तो कहते मैडम हम तो काफी साल से रादर उसको कह रहे हैं, साल डेढ़ साल से, पर वो हमारी बात नहीं मानती, इसके मैं नहीं आऊंगी वैक्सीन लगवाने। तो हमने 3-4 लोगों ने अपनी टीम बनाई, तो हम लोग इकट्ठा होके उसके पास चले गए घर में, तो उस समय वो लेडी अपने घर खाना बना रही थी, तो हम लोग वेट करते रहे, तो उसका हस्बैंड भी वहाँ बैठा हुआ था, उसके बच्चे भी वहाँ बैठे हुए थे, तो शी वॉज मेकिंग चपातीस। तो उससे थोड़ी सी बात शुरू की, तो लेकिन वो शी वॉज नॉट इन अ मूड टू लिसन, क्योंकि वो शी वॉज वो अपनी खाना बना रही थी जी, जी। तो हम लोग वहाँ खड़े रहे, हमने सोचा कि पहले ये थोड़ा सा, क्योंकि काम हमारा था जी बिल्कुल, तो हम लोग वेट करते रहे कि वो थोड़ी सी फ्री हो जाए सो दैट हम लोग उससे अपनी बात कर सकें। जब उसने अपने घर में सब कुछ चपाती वगैरह खाना वगैरह दे दिया, इट टुक अराउंड 5-7 मिनट्स जी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने अपने बच्चे को इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए?
तो पहले तो वो थोड़ी सी मतलब शी वाज अ लिटिल हेजिटेंट, तो फिर थोड़ा सा उससे बात करी इनफॉर्मल टॉक से, तो देन शी केम, कहती डॉक्टर साहब ऐसा है कि जब मैंने अपने बच्चे को पहला टीका लगवाया था जी, तो उस समय पेंटावेलेंट का था फर्स्ट डोज, तो कहती डॉक्टर साहब उसके बच्चे को मेरे को रात को बहुत बुखार आ गया, तो कहती उसका हस्बैंड जो था वो सब्जी मंडी जाता था जी, तो एंड ही यूज्ड टू गेट अप एट 3 अर्ली इन द मॉर्निंग, तो 3 बजे उठ के उसने सब्जी लेने जाना होता था जी, तो कहती सारी रात जो बच्चा था वो रोता रहा, एंड कहती माय हस्बैंड ही कुड नॉट स्लीप, सो कहती नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी पीटा, ही सेज के यू टुक द चाइल्ड फॉर वैक्सीनेशन और तुम्हारे करके बच्चा रो रहा है और मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा। वो कहती डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि मैं बच्चे को आपके पास टीका लगवाने लेके आऊं कि अपने हस्बैंड की मार खाऊं, एंड इट इज अ रियल, आई विल नॉट नेम द पर्सन बट दिस वाज रियल, और उसका बच्चा बड़ा हो गया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वो अपने बच्चे को कहीं एनरोल भी नहीं करवा पा रही थी जी, सो एक डर बैठ जाता है, एक डर उसके बारे में बैठ गया, उसका डर बैठ गया कि मैंने एक टीका नहीं लगवाया, हमने उसको डांटा कि अरे भैया तू आ क्यों नहीं रही, तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये पता चला कि उसके बच्चे को अगर हमने उसको सिर्फ पैरासिटामोल दिया होता जी, कहने के मतलब उसके बच्चे को बुखार ना होता या दर्द भी नहीं होती, तो कम से कम बच्चा आराम से सो जाता जी, तो हमने उसको कन्विंस किया, उसका हस्बैंड भी बैठा था, उनसे भी बात करी, उनको फिर बताया कि छोटी सी चीज है पैरासिटामोल, तो हमारे पास अवेलेबल भी थी, तो उसको दिया, एंड दैट इज वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज कि वो बच्चा नाउ शी इज एनरोल्ड, वो मान गए और वो आना शुरू हो गए, बहुत बहुत बढ़िया बात है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जी, सो दीज आर छोटी छोटी बातें होती हैं, तो वहां से हमें पता चला कि पैरासिटामोल की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है जी, सो दिस वाज। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये वैक्सीन क्या 100% प्रोटेक्शन देती हैं बच्चों को? देखिए 100% तो किसी भी चीज की प्रोटेक्शन नहीं होती, बट दे आर नियर 100%, कहने का मतलब ये है कि जैसे 100 में से 95% को 96% को, तो इनका काफी ज्यादा है जी, तो इनसे मतलब बहुत कम आप कह सकते हैं कि बच्चों को चांसेस होते हैं कि वैक्सीन के बाद भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, तो इट इज़ वेरी रेयर, वेरी रेयर, हाँ जी, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ओके हाँ जी, तो डॉक्टर साहब अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप हमारे श्रोताओं को अपना अवेयरनेस मैसेज दीजिए। देखिए इम्यूनाइजेशन में ये है कि जितना हम मैसेज स्प्रेड करें उतना अच्छा है, अगर एक मदर को ये पता है कि आज मेरे बच्चे का इंजेक्शन ड्यू है, तो अपने आसपास 2-3 जो उसकी सहेलियां हैं उनसे भी बात कर लें कि अरे भाई तेरे बच्चे का तो नहीं कोई इंजेक्शन ड्यू, सो दिस इज हाउ दिस मैसेज विल स्प्रेड, सो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा अच्छा है जी, कई बार किसी को नहीं याद रहता, तो ऐसा करने से वो भी याद रहेगा जी, सो वो आपस में, और जो उनको हम एक कार्ड देते हैं एमसीपी कार्ड, तो उसके अंदर हमने सब कुछ लिखा होता है जी, तो थोड़ी सी भी एजुकेटेड जो मदर है तो शी मस्ट रीड, और आपस में जब भी वो ग्रुप्स में बैठें तो वो चीज़ डिस्कस कर लें, तो आई थिंक इससे काफ़ी फायदा मिलेगा हमें हर चीज़ में जी।